जाता हूँ, हौसला कर लो, मैंने कोड सेंड किया था। ये सब जो सी वेबसाइटें हैं कैसे बनती है, स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा तो ये अमेजोन दराज आउटफिटर ब्रेकआउट फ्यूलर आई डोंट नो और इससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं ना, ये किस तरह बनती हैं वर्डप्रेस पे, ये बनानी है आज। ठीक है तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, थोड़ी बहुत टेक्निक्स है बस, वो याद रखनी है, बाकी सब सिंपल है। ठीक है कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्लगइन में जाएंगे। लगाइए प्लगइन में गया। ठीक है प्लगइन में जाके, मेरे पास काफ़ी सारे प्लगइन इंस्टॉल है तो ठीक है, इसको कुछ और है। तो एड न्यू पे जाना है, सबसे एड न्यू पे जाके प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन जो सा है वो फ्री है, वो है WooCommerce। WooCommerce का प्लगइन शो नहीं हुआ, तो ये WooCommerce का प्लगइन है, ये आपने इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो मैं फैसल का कर देता हूँ। फैसल मुझे आज मैसेज करना था, मैं तुम्हारा अकाउंट सेट करूंगा आपसे मेरा। अच्छा चलो मैं कर दूंगा कोई इशू। अच्छा WooCommerce का प्लगइन इंस्टॉल करना है सबसे पहले। ठीक है थोड़ा सा लोड ज़्यादा लेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना हैवी है, बाकी भी नहीं करता तो कोई नहीं, शायद नेट पे भी डिपेंड करता है कुछ, तो वो इशू नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी इसको होने दो, काफ़ी प्लगइन है। चल हो जा इंस्टॉल। क्या तो जब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी करवाई थी तो वो डेटाबेस ही कनेक्ट हो रही थी आपस में, सारा कुछ वो खुद ब खुद कर रही है। जब मैनुअली करते हैं, हाँ जी जो मैनुअली करते हैं वो अपने सिस्टम पे लोकल होस्ट पे करते हैं। मैं वो तो सर फिर ऑफलाइन भी चलेगा। हाँ फिर वो कुछ प्लगइन जो से होते हैं वो प्लगइन नहीं चलते लोकल होस्ट पे। हाँ वो प्लगइन प्रॉब्लम करते हैं जी। हो जा लैम्प जो सब यूज करना है सारे जिसमें मर्जी। हाँ जिस पे भी यूज़ करना कर सकते हो, बस वर्ल्ड प्रेस चलनी चाहिए जिसमें मर्जी चले। यार इतनी देर क्यों लगा रहा है ये। चल हो जा अभी इंस्टॉल। लास्ट अपडेट हुई है 8 घंटे पहले, कुछ अपडेट की इन्होंने लास्ट डेली बेस पे अपलोड हो रही है। सर मेरे अपडेट फेल आ गए, देखते हैं बस फिर इशू आएगा, बताता हूँ। कोई एक वो भी इशू होता है ना कि इससे ज़्यादा प्लगइन बड़ा इंस्टॉल नहीं हो सकता, ये वो इशू ना आ जाए ना भाई, इसलिए देख रहा हूँ।
नहीं गलत स्क्रॉल नहीं ठीक हुआ। कोई बात नहीं, अगर यही इंस्टॉल हो रहा तो कोई इशू नहीं है, इसे डिलीट यहाँ से करो तो हम चेक करते हैं। हम गूगल पे जाके वर्डप्रेस कॉमर्स, ठीक है, तो वो कॉमर्स में जाके इसको प्लगइन इंस्टॉल कर लो, ये वो डाउनलोड कर लो, तो इशू आ जाता है 8 MB का है, तो इतना वैसे इशू नहीं आना था, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो यहाँ से इंस्टॉल करके इसे ऐड कर लो, आसान तरीका, ठीक है। तो मेरा ख्याल इंस्टॉल हो गई है, कट किया ठीक है। तो वापस आके कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट आप जाओ अपनी उधर जाओ वर्डप्रेस वो कॉमर्स लिखो, फिर मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, बाकी सिंपल था। ठीक है कर ले, कर दिया मैंने सेंड, ठीक है। तो इसकी मैंने लोकेशन सेट करनी है, तो मैं इसकी लोकेशन सेट करता हूँ डी में और यहाँ पेस्ट करता हूँ। नहीं आया, कहाँ गया था? कट किया, पेस्ट कर लिया, ठीक। तो अब हम इसे अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं। आपके पास दो मेथड होते हैं, जैसे आपको सही लगे उस तरीके से। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे फ्रेंड का भी बात कर रहा था, मैंने ना आईडी का नेम चेंज किया था, आईडी आईडी से मैंने जान किया। जी ठीक है, मैंने हाँ मैं चेंज कर दूंगा नेम, ठीक है। तो वो कॉमर्स ओपन एंड इंस्टॉल, अब हो जाएगा। करना क्या सर? नेम चेंज नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि मैंने अपनी बाइक आईडी से क्लास ज्वाइन की है। ठीक है ठीक है, ओके। ओके ओके यार, हो जाए ना इंशाल्लाह, तंग ना करें। आगे वो तंग हो गए हैं, प्रोसेस चल रहा है, देखो अब आगे भी प्रोसेस है। कॉलिंग तो ठीक हो रही थी आपकी, एक मेरा नेट तो ठीक है, थोड़ा सा वैसे वर्डप्रेस स्लो हुआ। हाँ जी, असल में वर्डप्रेस में लोड भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। सर अदर जो फ्री होस्टिंग इनकी है वर्डप्रेस की, किसी और पे रजिस्टर्ड हो जाए कर लें। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। मैंने किया ही नहीं कुछ, हो गया इंस्टॉल, ठीक है हो गया इंस्टॉल। ओके तो अनपैक हो गया, इंस्टॉलिंग प्लगइन अदरवाइज। और जो
आप में से किसी का इंस्टॉल हुआ? ट्राई किया किसी ने भी? नहीं सर, अभी तक नहीं जा रहा है, नहीं हुआ अभी तक। क्या प्रॉब्लम किया कर रहा है सर? अभी तक इंस्टॉल ही हो रहा है, आपका तो ये स्टेप आगे आ गया, मेरा अभी पीछे वाला ही इंस्टॉल हो रहा है। किधर तुम्हारा? देखो अपलोड सर, मैंने अभी काम नहीं किया सर मोबाइल पे। यार ये सही इंस्टॉल होगा ना तो पहले वर्क होगा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कुछ मिले मिसिंग हो गई है। कोई प्लगइन की वजह से ना, एक मिनट लोड इसका ना कम करते हैं, कोई प्लगइन डिलीट करते हैं कुछ, क्योंकि इस पे वर्क करना है तो चेक कर लेते हैं प्लगइन डिलीट करके, लेकिन डिलीट करके चेक कर लेते हैं। सर मेरा हो गया इंस्टॉल। ठीक है, मेरा प्लगइन का इशू ना आ जाए तो मैं प्लगइन थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 ठीक है, मेरे 6 बजा दिए, डीएक्टिव करो। हाँ हाँ ठीक है, सही हो गया इंस्टॉल, वैसे ही होना था। ठीक है तो मैं अगर इसे कर दूँ तो मैं डीएक्टिव किया है तो मैं आगे देख लेता हूँ। असल में मेरा ना लोड बहुत पड़ा हुआ है, लोड की वजह से भी अक्सर ना हो जाता है, सेफ्टी नहीं जा रहा होगा। ठीक है, यही है वो कॉम्प्लेक्स, वो नहीं वो कॉम्प्लेक्स। ओके डिलीट हो गया मेरा ख्याल है, नहीं किसने? किसने डिलीट कर दिया सर? आपने कॉम्प्लेक्स आया तो था यहाँ पे, वो ठीक नहीं आया था, तो इंस्टॉल नहीं चाहिए हुआ, इंस्टॉल नहीं ठीक हुआ था। तो एक मिनट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो प्लगइन मेरा एक्टिव हो गया सक्सेसफुली। आपका भी ऐसे आएगा तो ही प्लगइन चलेगा, इसलिए आप अपनी वेबसाइट का लोड जो है थोड़ा सा कम कर लेना। ठीक है, तो ज़्यादा लोड ना डालना। ठीक, ओके, तो आगे देखते हैं क्या होता है। प्लगइन एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो हम न्यू कॉम्प्लेक्स की सेटिंग में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बेसिक आपने अपनी चीज़ें अपने प्रोडक्ट दे देनी है, जैसा कि इसमें GCT साहिवाल, अपना एड्रेस वगैरह दे देना, कोई भी दे देना। ठीक है, GCT साहिवाल, कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब। तो पाकिस्तान पंजाब, ठीक है, सिटी साहिवाल कह लो या लाहौर, जो भी करना है वो। पोस्टल कोड आपका, हमारा साहिवाल का है 57,000। हाँ ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आपको अपनी अपनी कर लेनी है। तो आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर क्लाइंट। ठीक है, गुड, ओके, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो इसको कर लिया, नेक्स्ट कंटिन्यू किया। ठीक है, उसके लिए पूछा विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट। मैं चाह रहा हूँ किसी इलेक्ट्रिकल और फूड और फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर रहने देते हैं, ठीक है, फैशन कह लेते हैं, जिस पे बनाना चाहते हो आप उसको कंटिन्यू करो। उसके बाद वो पूछ रहा है सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, बुकिंग, बंडल, कस्टमाइज। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली प्रोडक्ट है। ठीक है,
अगर हम ये चीज़ें सेलेक्ट करते हैं तो उनसे चार्जेस करेगा मेंबरशिप का, ठीक है। तो हमें नहीं करना, हमने कंटिन्यू कर दिया। हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू वांट टू प्लान, तो मैं कह रहा हूँ 11 to 100 करंटली सेलिंग, तो ऑन अदर प्लेटफॉर्म डिफरेंट स्टोर, ये कुछ भी फिल कर दे, कोई इशू नहीं है, तो बेसिकली नो कर देते हैं। तो हमें इनमें कोई भी थीम की किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे अभी तक इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे सर ये फेसबुक मार्केट ऑन करेंगे तो हमारी वो पोस्टिंग ऑलरेडी फेसबुक पे भी शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो बताऊंगा वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो कह रहा है किस पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, कोई और प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। काफ़ी सारे प्लगइन उसने, तो थीम उसने दे दी है बिल्ट इन कि ये थीम पे आप वर्क कर सकते हो, ये सारे वो हैं ई कॉमर्स के हैं, ठीक है। और पेडेबल है, ये देखो पेडेबल, वो मैंने कहा मैं कंट्री, ये फ्री है, ठीक है, बाकी सारे पेड है। ये देखो 79 डॉलर का ईयरली है, 129 79 79। तो मुझे कहीं ज़रूरत ही नहीं जाने की, मैं अपना कंटिन्यूस पे कर, वो कॉमर्स क्रैक नहीं है, तब वो कॉमर्स अभी तक जो हमें ज़रूरत है वो सही है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो कॉमर्स का ऐप नहीं यूज़ कर करते हम, फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कुछ वो आगे किया है, बाद में चीज़ें ये सीख लो पहले, वो भी बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि जेट पैक के साथ आपका लिंक करना है इसके साथ, मैंने कहा नहीं, नो थैंक्स, मुझे इसके साथ लिंक नहीं करना, ठीक है। तो नो थैंक्स कर दिया, हमारा ये सेटिंग हो गई कम्प्लीट, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट करना है तो क्लोज करना है, क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेटिंग आ गई, ये वो कॉम्प्लेक्स इंस्टॉल हो गया। देखो वो कॉमर्स का उन्होंने बेसिकली, पहले ये वो कॉमर्स नहीं था, उन्होंने वो कॉमर्स की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, तो बेसिकली पहले वो कॉमर्स थोड़ा सा ना सेटिंग कुछ और थी, चेंज की है अभी उन्होंने, नो थैंक्स, ठीक है। एड माई पे प्रोडक्ट सेटअप स्टेशनिंग स्टोर वीकली स्टेटस है, ठीक है। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमने जाना है सीधा, हमारे पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया, ठीक है, बिल्ट इन ये प्लगइन के अंदर ये चीज़ है, पर हमें क्या करना है सेटिंग पे, ठीक है। तो सेटिंग पे सबसे पहले जाना है, सेटिंग में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अदरवाइज वो बड़ा जो फॉर्म है जो मैंने अभी फिल किया, वो फिल करना हो तो कर देना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं फिल करना चाह रहे तो ना करो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। पर आपने वो कॉमर्स की सेटिंग वाला फिल लाजमी करना है, ठीक है। सेटिंग में जाना है आपने, सेटिंग में जाके पहले मैं एड्रेस दो, जो जो आपका एड्रेस है, ठीक है। तो प्रोडक्ट दो, सेल दिया, अगर लोकेशन सेल लोकेशन, ठीक है, देना चाह रहे हो कि मतलब कौन कौन सी कंट्री में मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ, तो अगर तो आप कह रहे हो कि आल में, ठीक है, आल कंट्री, तो आल यही रहने दो। अगर आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिक कंट्री, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद दुबई, जहाँ भी सर अगर कोई कंट्री लिस्ट में ना आए तो उससे भी ऐड हो जाएगी, ऑल कंट्री है, जितनी कंट्री टोटल है सब आई हुई है इसमें, समटाइम अगर नहीं 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 ये नहीं है, ये इशू नहीं है, सब कंट्रीज, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब उसके बाद दुबई, दुबई को क्या कहते हैं, यू ओके। तो अब शिपिंग लोकेशन कहाँ से शिपिंग जानी है, ठीक है, शिपिंग लोकेशन कहाँ से जाएगी, शिपिंग टू ऑल कंट्रीज, ठीक है, वो सेल स्पेसिफिक कंट्री की अब शिपिंग है, कौन कौन सी मुल्क में शिपिंग भेजना चाहते हो, तो मैं स्पेसिफिक कंट्री कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं शिपिंग सिर्फ पाकिस्तान में आए और इंडिया में जाए, ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, तो वो कह रहे हैं इसको एक मिनट ऑफ़ कर, चलेगा हमें जाएगा देखेंगे, ओके। तो वो कह रहा है शो बेस एड्रेस, ठीक है, जियो लोकेट और जियो लोकेट विद पेजेस कैशिंग सपोर्ट। तो शॉप बेस एड्रेस ठीक है, क्योंकि शॉप एड्रेस हमने जो अपना शॉप है कस्टमर शॉप लोकेशन के वही एड्रेस जाए। अनएबल टैक्स रेटिंग एंड कैलकुलेशन,
ठीक है, अनेबल इसलिए किया, तो टैक्स भी कटता है हमें और कैलकुलेट भी होता है, ठीक है। तो उसके अलावा कोपन है, कैलकुलेट है कोपन डिस्काउंट, तो इसको करना है तो कोपन ऑलरेडी यूज कोपन कोड ये कर लिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माइक बस बंद कर दें, किसका भी होना है कोपन सर, ये डिस्काउंट कोपन जो देते हैं वाटर वगैरह, टोटल प्राइस में आप अपना कोपन ऐड कर देंगे वाटर वगैरह को लेस हो जाएगी। जी 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 वही, ठीक है। तो ठीक है, करेंसी कौन सी यूज करना चाह रहे हो? डॉलर करना है डॉलर करो, पाकिस्तान करना है पाकिस्तान कर लो, तो यूएसए करना चाह रहे हो, यूनाइटेड स्टेट करना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो आप वो कर सकते हो करेंसी, ठीक है। कंट्री पोजीशन, करेंसी पोजीशन पूछ रहा है कौन सी आए, तो ठीक है लेफ्ट ही चाहिए, ठीक है। राइट साइड पे आती है, तो राइट कर दो, येलो, थैंक यू, सेव कर दिए, बेसिकली लेफ्ट ही आती है, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा फील हो गया, ठीक है, जनरल सेटिंग हमारी फील हो गई। अब प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अब पूछ रहा है प्रोडक्ट वाला सेशन। अच्छा तो शो पेज किस पे ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो किस पे ऐड करना चाह रहे हो, तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज ये बिल्ट इन देखो, जब हमने प्लगइन इंस्टॉल किया हमारे पास बिल्ट इन कुछ सेशन बन गया है, जैसे कार्ड्स, चेकआउट और माई अकाउंट, उसके अलावा कोई नहीं बना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने शो पेज बनाया, तो शो पेज में मैं इसे कर रहा हूँ। अच्छा प्लेस होल्डर इमेज, कितनी इमेज आई प्लेस होल्डर में, दिस इज अटैच आई डी और इमेज यू एल यूज टू प्लेस होल्डर, तो ठीक है ये इशू नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। रीडायरेक्ट द पेज आफ्टर सक्सेसफुली, तो रीडायरेक्ट टू द कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुली एडिशन, ठीक है ये भी कर दो, ओके। तो वेट क्या हो, वेट के जी के हिसाब से लेना है, वेट यूनिट के जी के हिसाब से या ग्राम एल एफ एफ, इसका मुझे नहीं पता, तो के जी के हिसाब से बेसिकली चलता है, क्योंकि जब भी आप किसी कोरियर सेंटर में जाते हैं तो वो के जी के हिसाब से आपका कोरियर लेते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ठीक है ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के हिसाब से हम ले रहे हैं, तो ये मेरी सेटिंग ठीक है, परफेक्ट है। बाकी चीज़ें रिव्यू द लेफ्ट, रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाई ओनर, तो ठीक है वेरीफाई ओनर को नहीं करना, जो मर्जी रिव्यू दे सकता है कस्टमर जो सा आपकी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ठीक है। तो बाकी अन्य वाली रहने दें, रेटिंग भी दे सकता है, सारा कुछ है ये पढ़ लेना, तो बेसिकली वो सही वाली, ठीक है। टैक्स, टैक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उससे लिए मैं ये रिमूव कर, ये मुझे नहीं सेटिंग चाहिए, ऐसी तंग करी जा रही मुझे, तो ठीक है। तो प्राइस इंटरप्राइज इंक्लूसिव टैक्स, यस आई विल इंटरप्राइज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो देख लेते हैं, ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट एज वेल आफ्टर होल प्राइस चेंजिंग इट विल बी नॉट अपडेट, प्राइस विद टैक्स और बगैर टैक्स के दोनों में फिर वो जो सिलेक्शन करेंगे वो डिस्प्ले होगी। हाँ तो अभी के हमें लिए कार्ड टैक्स के लेते हैं, नीचे वाले बगैर टैक्स के। अच्छा तो वो कह रहा है कस्टमर शिपिंग ड्रेस, ठीक है ठीक है, हमने कस्टमर शिपिंग ड्रेस लेना है। टैक्स क्लास बेस ऑन एटम्स, ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा वो कह रहे हैं जो सा आपने शिपिंग भेजनी है वो क्लास बेस हो, मतलब जीएसटी टैक्स है डिफरेंट किस्म के, हमारे 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 कहीं चलता है वैट टैक्स, कहीं चलता है गैट, हमारे जीएसटी चलता है, हमारे भी जीएसटी चलता है इंडिया में भी बांग्लादेश में भी, और उसके अलावा जीएसटी कहाँ का चलता है देखना पड़ेगा गूगल करके, तो वो चेक कर लो, जहाँ जो सा टैक्स चलता है वो आप रिसर्च करके लगा सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए वो कह रहा है क्या रेटिंग चल रही, अगर तो आप कह रहे हैं कोई टैक्स नहीं लगाना तो जीरो रेट कर दो, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में कुछ स्टैंडर्ड में बताना है कि स्टैंडर्ड में कौन से, पर हमें क्या है, हमें हमारे टैक्स डिफरेंट है, ठीक है, हर किसी चीज़ के टैक्स जीएसटी टैक्स क्या है डिफरेंस, ठीक है। मैं शिपिंग टैक्स क्लास बेस कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट और ऐड कर रहा हूँ, मैं नीचे कर रहा हूँ स्क्रॉल करके, तो मैं कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, मैं जीएसटी कह रहा हूँ, जीएसटी आपका टैक्स जैसा कि क्लोथ पे जीएसटी टैक्स डिफरेंट है, शूज़ पे डिफरेंट है, रेडीमेड पे डिफरेंस है,